दोस्तों नोकिया तैयारी कर एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए इंडियन मार्केट में। चलिए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। तो नोकिया कौन सा फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, कब के डेट में लॉन्च होगा, क्या कुछ इनका प्राइस होने वाला है, क्या कुछ एस्पेक्ट होने वाला है, लॉन्च से पहले जो पूरी जानकारी निकल के आ चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला है नोकिया के इस फोन के बारे में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले ये कन्फर्म कर रहे कौन सा फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं नोकिया ने। तो दोस्तों नोकिया तैयारी कर रहे हैं G42 5G को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के डेट में पूरी जानकारी देने वाले हैं इस फोन के बारे में नोकिया G42 5G से रिगार्डिंग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की करते आज के वीडियो स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप, समझ सकते तो अपने ठीक होंगे। मेरा नाम है पंकज रखते कुमार पंकज टैग। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं नोकिया G42 5G से रिगार्डिंग। तो चलिए सबसे पहले इसका एस्पेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.56 इंच का HD+ वाला IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाला है। ध्यान देने वाली बात है फुल HD+ वाला नहीं, HD+ वाला IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाला है। साथ ही आपको 90Hz रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। दोस्तों सामने के सारे कैमरा की बात करें तो ये आपको वाटर प्रूफ स्टेनलेस वाला कैमरा मिलने वाला है। 8 मेगापिक्सल का सिक्योरिटी कैमरा होने वाला है। दोस्तों बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में ट्रिपल कैमरा आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जिनका प्राइमरी कैमरा की बात करें तो ये 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है। दोस्तों सेकंड और थर्ड कैमरा की बात करें तो मैक्रो कैमरा और डेप्थ कैमरा आपको मिलने वाला है, जो कि 2-2 मेगापिक्सल का लगभग कोई यूज करने होता है, सिर्फ डिजाइनिंग के लिए दे दिया गया। दोस्तों आगे बात करें इसका बैटरी डिपार्टमेंट की, तो बैटरी जो 5000mAh का आपको बैटरी मिलने वाला है। साथ ही आपको 20W का सुपर फास्ट चार्जर मिलने वाला है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ होने वाला है। दोस्तों आगे बात करें इनका प्रोसेसर के बारे में, तो प्रोसेसर आपको क्वालकॉम की तरफ से मिलने वाला है Snapdragon 480+ का। तो दोस्तों प्रोसेसर जिस प्रकार का फोन है और दोस्तों जिस प्राइस पॉइंट पर लिया फोन लॉन्च होने वाला है, प्रोसेसर मान के चल सकते हैं सही है, कोई तरह के किंतु परंतु नहीं। 5G को बात करते हैं प्रोसेसर, इसलिए दोस्तों ये फोन में 5G हो जाता है। दोस्तों आगे बात करें इसमें साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है, 3.5mm जैक भी मिलने वाला है। दोस्तों डेडिकेटेड स्लॉट इसमें देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें डबल सिम कार्ड के साथ साथ एक SD कार्ड भी आप यूज कर सकते हो। दोस्तों ये फोन जो आपको एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ बॉक्स देखने के लिए मिलने वाला। दोस्तों ये था फोन की पूरी एस्पेक्ट ही कहानी नोकिया G42 5G की। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कब की डेट में लॉन्च होने वाला है, इनका क्या प्राइस होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले लॉन्च डेट की बात करें और प्राइस की बात करें तो यहाँ पे देखिए लॉन्च डेट कुछ लिक्स की माने तो यहाँ पे कन्फर्म नहीं किया गया, नोकिया की तरफ से कन्फर्म नहीं किया गया। कुछ रिक्स की माने ना तो ये 15 सितंबर को बताया जा रहा है कि आपको इंडियन मार्केट में लॉन्च देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि 15 तारीख को ये इंडियन मार्केट में आएगा या फिर उस दिन डेट कंफर्म किया जाएगा। तो दोस्तों ये 15 सितंबर को कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। तो चलिए आगे बात करें तो प्राइस पॉइंट की, तो देखिए प्राइस भी अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी कन्फर्म नहीं किया गया नोकिया की तरफ से। यहाँ पे लिक्स निकल के आ रहा है कि 15 से लेकर 17 हज़ार के बीच ये फोन आपको देखने को मिलने वाला है इंडियन मार्केट में। दोस्तों जिस प्रकार का इसमें एस्पेक्ट्स दिया गया है बिल्कुल सटीक फोन है, अगर 15 से 17 के बीच में ये फोन आ जाता है। तो दोस्तों ये तो फोन की पूरी कहानी नोकिया G42 5G की। तो दोस्तों फिलहाल जो भी जानकारी निकल के आया हुआ था नोकिया G42 से रिगार्डिंग, तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। दोस्तों समझ में आ गया तो वीडियो पे एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ डालिएगा। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, बाय बाय।